हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे आई होप। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं सिनौड़ा से, जो कि भिक्यासन से थोड़ा पीछे पीछे पड़ता है। अभी हम जा रहे हैं भिक्यासन की तरफ को, और आपको मौसम भी दिखाता हूँ, और हमारा आज कहाँ जा रहे हैं, हमारा आज का टूर कहाँ होने वाला है वो भी बताएंगे हम आपको। और हमारे साथ हैं तरुण सर, जो कि यहाँ पर हैं। क्यों तरुण सर, क्या कहना चाहते हो? हम यहाँ से, मतलब यहाँ इस रूट में तो मैं पहली बार आ रहा हूँ। एंड रोड्स काफ़ी अच्छी हो गई है। अच्छी हो गई है, पहले से भी अच्छी होगी, मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, लेकिन काफ़ी अच्छी रोड है। एंड व्यू बहुत प्यारा आ रहा है, पूरा खुला खुला दिख रहा है यहाँ से मौसम। यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है सुबह सुबह का। रोड में इतना मजा आ रहा था चलते हुए, लेकिन फिर भी व्यू देखने के लिए रुकना पड़ता ही है। रुकना पड़ता है, बाकी रोड ऐसी है फोर फोर हाईवे टाइप में। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं देघाट। देघाट तरुण सर सोनी से इधर ये वाली रोड में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो हमने कहा कि ना तरुण सर को भी घुमा के लाते हैं देघाट। और देघाट मेरा काम है कुछ बैंक में, बैंक का जितना खाता था सब क्लोज कराना है मेरे को क्योंकि यार बेरोजगार बैठे हैं, पैसे वगैरह कुछ है नहीं, तो सब काम क्लोज करा के आता हूँ। आज जितने अकाउंट हैं PNB में सब क्लोज करा के आता हूँ, परमानेंट बंद कर देता हूँ अकाउंट को। तो हम उस काम के लिए जा रहे हैं, बाकी हम तरुण सर को ले जा रहे हैं साथ। हमने कहा तरुण सर को भी वहाँ का मौसम वगैरह दिखाएंगे, वहाँ तरुण सर को घुमाएंगे। तो कैसा लग रहा है तरुण सर आपको इधर ये वाली रोड में? नहीं, जैसा आपने सोचा घुमाएंगे एंड फिराएंगे, बहुत ही अच्छा सोचा आपने। टू द पॉइंट परफेक्ट बात करी है आपने, मेरे को सच में बहुत मजा आ रहा है इस रूट में आते हुए। और अब बाकी आपको जो भी काम से कराई है, मैं तो खैर व्यूज का लुफ्त उठा रहा हूँ। जो जहाँ जहाँ पर मेन लोकेशन होगी ना रास्ते में, वहाँ वहाँ पर हम आपको भी दिखाएंगे व्यू। और बाकी जहाँ पर भिक्यासन मार्केट, ये तो नॉर्मल चीज़ है, तो ये तो कितने बार ब्लॉग हमने बना रखा है इस चीज़ का। तो आपको जहाँ जहाँ पर मेन मेन जगह होंगी उस चीज़ का ब्लॉग दिखाऊंगा आपको। दोस्तों, यहाँ पर हम जा रहे हैं अपने F250 लेके, क्योंकि हमने कल ही लिए थे गलत जी वाले। सुबह सुबह ठंड हो जाती है ना तगड़ी वाली, तो आज इसका ट्रायल चल रहा है। बाकी अंदर से गर्म है, बाकी ऐसी बात नहीं है। बाकी ये रही हमारी गाड़ी, और तरुण सर हो रहे हैं रेडी। और यहाँ पर, यहाँ से आ रही है धूप मस्त वाली, बाकी यहाँ से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, निकलते हैं यहाँ से। तो हम फाइनली वहाँ से निकल चुके हैं, और सुबह सुबह का जो मस्त सा सीन आ रहा है ना, इतना खूबसूरत। और बच्चे अपने स्कूल वगैरह के ऊपर जा रहे हैं रोड में, पैदल पैदल लगे हैं रास्ते स्कूल की तरफ को। और सुबह सुबह का जो मौसम और का जो व्यू दिख रहा है ना कोहरा से, क्या मस्त लग रहा है। इतनी मस्त वाली रोड जो है ऊपर से, क्या मज़ा आ रहा है बाइक राइड करने में, क्योंकि सुबह सुबह हवा भी ठंडा भी लग ही रहा है, पर कोई बात नहीं, उसका मज़ा ही अलग है। पहाड़ों में तो कुछ मज़ा ही अलग है बाइक राइड करने में। जैसे कि आपको दिखाई दिख रहा होगा दोस्तों कि यार कोहरा सुबह सुबह कितना लग रहा है, और काफ़ी ठंडा भी हो रहा था, जिस हिसाब से बहुत कोहरा लगा था, क्योंकि जो ये वाला कोहरा था इसमें पानी की बूंदें भी ऐसी गिर रही थी। तो हम यहाँ से निकलते हैं, और आप में हम पहुँच चुके हैं फाइनली भिक्यासन पुल में। अपने ये वाला पुल क्रॉस कर दिया, और यहाँ पर एक इंटर कॉलेज है भिक्यासन का। हम फाइनली अब पहुँच चुके हैं भिक्यासन मार्केट में, और यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो चुकी है भिक्यासन की। और जैसे कि आगे स्कूल बस जा रही है, पर यहाँ से हम चल रहे हैं आराम आराम से आगे को, बस भिक्यासन की अभी मार्केट में हम चल रहे हैं। पर दोस्तों चलते रहे हमारे साथ, और जिन्होंने जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और हम आपको अभी भिक्यासन बाज़ार में, यहाँ से हमें धूप लगनी स्टार्ट हुई तब यहाँ से थोड़ा मौसम सही लगा, क्योंकि इससे पहले तो पूरा कोहरा ही कोहरा लगा था, ठंडा भी वैसे हो रहा था सुबह सुबह। 8 बजे तक भी इतना कोहरा लगा था ना, इधर कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन भिक्यासन से हमको धूप स्टार्ट हो गई थी, और आगे जाके फिर मौसम ऐसे होने वाला है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं तुल चौरा से आगे पहुंच चुके हैं, वो सामने पुल है तुल चौरा की, बाकी यहाँ से व्यू देख सकते हैं क्या मस्त लग रहा है इधर को पूरा, और धूप आ रखी है ऊपर से फर्स्ट क्लास करके। और वो रोड है यहाँ से मस्त वाली, ऐसे ये दो ट्रक आ रही है इसी रोड से होते आ रही है, हम भी उसी रोड से आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी नीचे से नदी, विनोद नदी है देघाट की, यहाँ से अभी कम दिख रही है, कहीं आगे से दिखाऊंगा आपको। बाकी हमने पीछे गाड़ी खड़ी की है, और व्यू कुछ ऐसा है यहाँ का फर्स्ट क्लास करके। तो तरुण सर क्या क्या, क्या नंबर दोगे आप नंबर व्यू को? अच्छा, व्यू को व्यू के लिए कोई नंबर नहीं बनाया यार, इसको काउंट नहीं किया जा सकता। कैसा लगा आपको इधर? मेरे को बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर। तरुण सर का इधर को है फर्स्ट टाइम है इनका इधर आने का, तो अभी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इधर। बाकी हमने गाड़ी यहाँ पर खड़ी करके, व्यू यहाँ का ऐसा है कुछ, यहाँ का ब्लॉग मैंने पहले भी बनाया था। तो फाइनली हमने आपको यहाँ व्यू वगैरह दिखा दिया, जितना मस्त व्यू था।
सूर्य देव भी आ रहे हैं यहाँ से, और बाकी अब यहाँ से निकलते हैं, रील भी बना लिया हमने, फोटो भी खींच लिया, सब कुछ हो गया, बाकी अब निकलते हैं यहाँ से। तो हम फाइनली पहुँच चुके हैं श्यालदे, अभी हम श्यालदे से चल रहे हैं आगे को, और यहाँ पे आगे भी आने वाली है तहसील श्यालदे की, तो तहसील है वो जस्ट यहाँ पर ही है आगे, अभी जहाँ पर कोई बोर्ड वगैरह लगा है आगे से, यहाँ पर तहसील है। हम हल्के हल्के चल रहे हैं आगे को, ये पूरे हम तहसील को पीछे से क्रॉस कर चुके हैं और हम अभी श्यालदे से होते हुए जा रहे हैं। ये जो ये वाली रोड है श्यालदे की नई रोड है, जो पुरानी रोड थी वो ये वाली रोड नहीं है, जो कि ये हाल ही में बनी हुई है, ये नई रोड है। और यहाँ से देख सकते हैं पूरा मैदान है श्यालदे में, जो इधर से बगल से नदी है वो है विनोद नदी। अभी हम पावर प्लांट पर पहुँच चुके हैं, जो कि श्यालदे से जस्ट क्रॉस करके थोड़ा आगे है। अब वहाँ से हम आगे को निकल चुके हैं, ये है फाइनली वलमरा, वलमरा की मार्केट, और हमने इंटर कर ही रहे हैं अभी वलमरा की मार्केट में। और जो बगल पर नदी है वही विनोद नदी है, वही नदी है पूरी, ये नदी हमें पकड़ते हुए चलना है देहाड़ तक। फाइनली हम वलमरा क्रॉस करके हम पहुँचने वाले हैं पत्थरखोला, पत्थरखोला आने वाला है पर अभी पहुँचे नहीं है, पर अभी चल रहे हैं। और यहीं से जस्ट पार को एक स्कूल दिखेगा, वो है इंटर कॉलेज पत्थरखोला का, पहले 10th तक था, अब 12th तक बन चुका है। बाकी मौसम भी मस्त हो रहा था सुबह सुबह के टाइम पर, जो मज़ा आ रहा था ना राइडिंग करने में बाइक। तो दोस्तों हमको मिला है सब्सक्राइबर अपने तारा का। अरे सर 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 खुश रहो, सर खुश रहो, बटन दबा तो कहाँ, कैसे रहो सर, इधर इंट्रोडक्शन दो अपना, कैसे है, बढ़िया सर, आज हमारी नगरी में आ गए, बहुत प्यारा लगा है नगरी यार, दो सही ना मज़ा, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन क्या दिल्ली का मुझे वाला चाय भी रहा, बैठो अभी चल रहा है इधर काम, रोड में काम भी चल रहा है इधर को भी। तो हमारे साथ एक मेंबर और चुके हैं, जुड़ चुके हैं आपको, ये तरुण सर है, मैं हूँ, हमारे साथ अभी त्रिपल भी चल रही है, आपका त्रिपल है मेरा ना चाहते सर, हम तो बात करते हैं आराम से। कैसा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है यार, बहुत प्यारा लग रहा है, ये दिखा के ला रहा हूँ मैं तरुण सर को, ये है पत्थर खोला, क्या बोला पत्थर, पत्थर खोला, पत्थर पत्थर खोला, हाँ तो दोस्तों हमने फाइनली पत्थरखोला तो क्रॉस कर दिया है, ये है पालपुर, इस गांव का नाम, इधर भी एक गांव है जो पालपुर के नाम से है जाना जाता है, पालपुर, अभी हम पालपुर में चल रहे हैं, पालपुर को चल रहे हैं अभी, यहाँ से मतलब शुरू हो गया है पालपुर, और अभी हम साथ साथ अभी हम कोटसाड़ी टामाडंग कुमालेश्वर का साइड पहुँच चुके हैं, तो ये पुल है यहाँ से हमने क्रॉस कर दिया है, हम चले गए हैं आगे को कोटसाड़ी, यहाँ की इस जगह का नाम है कोटसाड़ी, कोटसाड़ी को हम क्रॉस करेंगे। और यहाँ से रोड की हालत भी बहुत ख़राब हो रखी है, जैसा कि ये कहीं कहीं पर रोड की हालत बहुत ख़राब हो रखी है, उखड़ चुका है पूरे रोड, उखड़ चुकी है, पता नहीं डामर भी कैसा करते हैं। अब यहाँ से हम बहुत जल्दी देघाट पहुँचने वाले हैं, पर यहाँ से ज़्यादा तो नहीं है देघाट, बस शुरू हो गया है, मान लो कि देघाट शुरू हो चुका है, या अब यहाँ से देघाट की मार्केट शुरू होने लग गई है। यहाँ से देख सकते हैं पूरा रोडों के किनारे पर घर बने हुए हैं, बाकी मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये है पूरी देघाट मार्केट, यहाँ से देघाट की मार्केट लग गई है, अब कुछ इस प्रकार है देघाट की मार्केट, देख सकते हैं रोड तो काफ़ी चौड़ी है, मतलब पहले से बेटर हो गया यहाँ देघाट में, अब बाकी जो बस वगैरह रुकती है सबका अड्डा यहीं है। यहाँ से एक रोड सीधे आगे को जाती है, कुछ ही दूर तक कुमाऊँ है, उसके बाद से फिर गढ़वाल लग जाता है आगे को, सीधे आगे को जो अगर हम जाते हैं तो, बाकी भाषा वगैरह तो गढ़वाली चलती है आगे को। हमने जाना है राइट हैंड साइड को, पहले हमने यहाँ पर आएगा देघाट का पुल, हमने यहाँ से पहले बैंक वगैरह का काम कराना है, अपना बैंक वगैरह का काम कराएंगे। ये वाली नदी है विनोद नदी, जो कि गढ़वाल से आती है, अब यहाँ पर हम अपने पहले काम वगैरह कराते हैं बैंक में, फिर मिलते हैं आपको। दोस्तों अभी हम आए हैं PNB बैंक में देघाट, अभी हमारा काम अभी आधा अधूरा है, और इन्होंने एक तो पहले तो मेरी बुक गायब कर दी, दूसरे हम अपने अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, बुक एक साल से ऊपर हो गया है लेकिन बुक अभी तक नहीं मिल रहा है, कोई आता पता नहीं है बुक का, और बाकी अभी अकाउंट को ही क्लोज कराता हूँ अब, बाकी कभी नहीं खोलूँगा इस अकाउंट को, इसे खाते में अकाउंट। तो दोस्तों कहते हैं PNB में मेरा एक साल से बुक नहीं आई थी, नई वाली बुक, एक साल हो गए थे पुराने बुक को जमा करवाए, तो मेरे को ऐसे गुस्सा जैसा आ रहा था, तो मैंने अकाउंट ही क्लोज करा दिया वहाँ का, करोड़ रुपए रखा था 126 हुए थे, और वो मेरे से बोला था 126 में क्या होगा, मैंने कहा 126 में मेरे कितने ब्लॉग अपलोड हो जाते हैं, और बाकी पहले तो मैंने किसी और से पूछा, उसने कहा नहीं होगा बैंक की पासबुक चाहिए, सो ड्रामे कर रहा था, तब मैंने बाद में फिर अपना ड्रामा शुरू किया, तो मैंने बाद में अकाउंट ही क्लोज करा दिया। तो आप चलते हैं इंटर कॉलेज को, ये रास्ता आता है इंटर कॉलेज को, और तारा के पास ज़्यादा पैसे आ गए इधर,
सही है। हम गाड़ी निकाल रहे हैं यहाँ से, चलो 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 चलो, अभी बहुत है, निकल गई निकल गई। वैसे ये है गंगानगर, इधर को ये है देघाड़ के सरकारी हॉस्पिटल, यहाँ पहले से सुधर गया, सुनने में आया था पर पता नहीं क्या है सीन है। यहाँ से नीचे को गंगानगर, हम आगे को चलेंगे। ये है गंगानगर की मार्केट और अपनी गाड़ी हम ला रहे हैं फर्स्ट टाइम इधर को, इससे पहले मैं अपनी गाड़ी नहीं लाया था यहाँ। जोरासी को रोड जाती है यहाँ से, ये है नयापुर बोले यार, वैसी रुकते हैं ये रुको वहाँ आगे वाला गाड़ी घाट का नया वाला पुल, यहाँ से मंदिर दिखता है सामने वहाँ पे, अभी कार्य चल रहा है उधर, अभी और ग्राउंड है देघाट की, जो ग्राउंड है वो ये वाला है पीछे वहाँ पे, और पीछे से है नदी विनोद नदी, तो सामने जो ग्राउंड दिख रहा है यहाँ पे, ये है देघाट का ग्राउंड इधर को, और बाकी पूरा उधर देघाट का मंदिर जो है वो सामने है मंदिर, और स्कूल है इंटर कॉलेज है ऊपर वहाँ, ये यहाँ इंटर कॉलेज है देघाट का सामने। अभी हम हैं ये वाले नए वाले पुल में, और इधर को ऊपर को पूरा गंगानगर है, बाकी हमने गाड़ी लगा रखी यहाँ पर अभी। तो कैसा लग रहा है तरुण सर आपको? मैं अभी आज तक, हाँ नेपाल तक तो गया हूँ, लेकिन कुमाऊँ और गढ़वाल के इतने करीब नहीं पहुँचा था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ लखड़ा भाई ने कहा कि ऊपर वाली रूट से शायद पौड़ी गढ़वाल कनेक्ट हो जाता है। हाँ हाँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यार इतना करीब पहुँच कर, एंड ये पुल भी अभी हाल में बना है। हाँ ये भी नई नई में बनी है ये वाली पुल, चलो बढ़िया है, नया में बना है। बाकी यार नीचे से नदी है, कौन सी नदी भाई? विनोद नदी, विनोद कहाँ से आती है? गढ़वाल से पौड़ी। दोस्तों यह है देवी मंदिर देघाट, अभी हम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। अभी यहाँ कार्य चल रहा है, यहाँ आ जाओ, कार्य चल रहा है यहाँ। दोस्तों यह है देघाट का मंदिर इधर को, और इधर पीछे है ग्राउंड वगैरह, और सामने से है हॉस्पिटल वहाँ, बाकी अभी यहाँ बन रहा है मंदिर ऐसा कुछ, देख सकते हैं काम चल रहा है अभी मंदिर में। अभी हमने मंदिर के दर्शन वगैरह कर लिए हैं, अब जा रहे हैं हम घर वापस, रानी खेत की तरफ को आराम से जाते हैं घूमते घूमते। तो हम अपना सब काम करा के अभी देघाट पुल से हम वापस आ रहे हैं, पहले हम देघाट मार्केट में आएंगे ऊपर, ये है देघाट की मार्केट, हम वापस आ चुके हैं अपना काम वगैरह करा के, और बाकी हमने दर्शन वगैरह भी करा था मंदिर में, बाकी आप यहाँ कुछ खाएंगे, यहाँ रुकते हैं पहले थोड़ा देर, कुछ खाते हैं उसके बाद से फिर मिलेंगी दोस्तों आपको, ये वाली दुकान में जाएंगे हम अंदर। ने लगा दिए यहाँ पर समोसे, और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा, लेकिन जाली है आगे से, अभी हम उसी पुल से आ रहे हैं वहाँ उधर साइड से। अच्छा। चले हाँ वो गए थे हम उधर मंदिर के वहाँ। तो हमने पेट पूजा वगैरह भी कर ली, फास्ट फूड खाया था, बाकी अब यहाँ से निकल रहे हैं देघाट की बाज़ार से सीधे रानीखेत की तरफ को, बाकी अब कहीं पर नहीं रुकना, सीधे चलते रहना है, बाकी अब अलविदा करते हैं देघाट को, अब फिर मिलेंगे देघाट वालों को फिर कहीं कभी आएंगे तो, बाकी इस ब्लॉग को भी बंद करते हैं, अब आपको मिलेंगे अगले से प्यारे से ब्लॉग में, कोई मस्त सा प्यारा सा ब्लॉग में, बाकी इधर को देख सकते हैं खेती वगैरह भी हो रही है, तो बाकी इस ब्लॉग को करते हैं बंद, आपको मिलेंगे अगले से प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, हर हर महादेव, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।